सर्दियों का सफर आगे बढ़ रहा है और कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकती जा रही है। बर्फबारी की वजह से कारगिल हाईवे को बंद कर दिया गया। सोनमर्ग और जोजिला पास में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में भी बारिश की वजह से पारा गिर गया है। घाटी के अधिकतर हिस्से बर्फ की चादर में ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बेशक ये काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी वहाँ रहने वाले लोगों को करनी पड़ती है या फिर आवाजाही पर जो इसका असर पड़ता है वो यकीनन लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ। हालांकि बर्फबारी को देखने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए ख़ास तौर पर टूरिस्ट जाते हैं, अलग अलग इलाकों से, विदेशों से भी आते हैं, लेकिन इसमें देखिए आवाजाही के दौरान भी, रास्तों में भी कुछ परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। हालांकि ये अभी मौसम की शुरुआत है, लेकिन कश्मीर में तो इसका ज़बरदस्त असर अभी से दिखना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। और कश्मीर की इन्हीं बर्फीली वादियों का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वाली। अभी तो नवंबर महीने की शुरुआत है, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तीन बार पहले ही बर्फबारी हो चुकी है। शुक्रवार से एक बार फिर इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। दरअसल जिस अंदाज से ये बर्फबारी समय से पहले हुई, लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्हें जो जाड़े के मौसम के लिए घरों के अंदर तैयारियां रखनी होती है, फिलहाल वो भी लोगों ने नहीं रखी थी। तो कहीं ना कहीं समय से पहले ये जो बर्फबारी है लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन के आई है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, टंगडार, आज तक। जैसा अशरफ इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि बेशक टूरिस्टों के लिए ये खुशखबरी हो कि मौसम से पहले वहाँ बर्फबारी हुई जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचकर इस मौसम का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ के निवासी हैं, वहाँ रहते हैं, उनकी तैयारियाँ मुकम्मल नहीं थी, पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से परेशानी ज़रूर होती है। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।